कि राजनीति में तो कोई आदमी जिंदगी भर काम नहीं कर सकता है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में चाहे तो वो आजीवन कार्य कर सकता है। तो मैं अपना संकल्प व्यक्त करता हूँ कि जीवन के अंतिम क्षण तक मैं सामाजिक कार्य करता रहूंगा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय तक पहचान रहे दिग्गज सुशील कुमार मोदी नहीं रहे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के पूर्व सांसद सुशील मोदी का बीते सोमवार की रात दिल्ली में निधन हो गया। वो बिहार में बीजेपी का एक ऐसा चेहरा थे जिसकी बदौलत बीजेपी की सियासत दशकों तक चमकती रही। जाने से पहले उन्होंने देश की जनता को एक अहम संदेश भी दिया, जिसके बारे में उन्होंने पीएम से राय मशवरा भी किया था। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी गले के कैंसर से पीड़ित थे। दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था। पिछले महीने ही उन्होंने कैंसर होने की जानकारी देते हुए सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा की थी। सुशील कुमार मोदी ने 3 अप्रैल को सार्वजनिक जीवन के लिए अंतिम संदेश दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, पिछले 6 महीने से कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं। अब लगा कि लोगों को बताने का समय आ गया है। लोकसभा चुनाव में कुछ कर नहीं पाऊंगा, प्रधानमंत्री को सब कुछ बता दिया है। देश, बिहार और पार्टी का सदा आभार और सदैव समर्पित। जानकारी के लिए बता दें कि सुशील मोदी जेपी आंदोलन के त्रिमूर्ति में से एक थे। दरअसल सुशील मोदी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जेपी आंदोलन के बाद उभरे त्रिमूर्ति के रूप में जाने जाते थे। सुशील मोदी शुरुआत से ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े रहे। 1971 में सुशील मोदी ने छात्र राजनीति से राजनीतिक करियर की शुरुआत की। इसके बाद युवा नेता के रूप में इनकी पहचान विश्वविद्यालय से होते हुए राज्य की राजनीति तक पहुंची। साल 1990 में सुशील ने विधानसभा चुनाव लड़ा और जीतकर विधायक बने। इसके बाद बिहार की राजनीति में उनका कद बढ़ता ही चला गया।